अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के 3D इमेजेस जनरेट करना, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा लोग इन्हें DPs के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टार्ट टू एंड फुल प्रोसीजर बताया जाएगा कि किस तरह से 3D इमेजेस हासिल करने हैं, कहाँ से हासिल करने हैं और इनके लिए प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, वो भी अपने नाम के साथ बिल्कुल फ्री में। तो चलें करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसके लिए हमें बिंग ऐप इंस्टॉल करनी होगी, तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम चलते हैं प्ले स्टोर पे। सर्च बार में टाइप करते हैं बिंग, सर्च करते हैं। फर्स्ट पर ही आपके पास देखें बिंग चैट विद AI की ऐप आ रही है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन कर लूँगी। आपके पास अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ से आपने उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बिंग का अकाउंट आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आपने बिंग पर अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ पहले से, तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है और बिंग को ज्वाइन कर लें। अच्छा, ये बिंग का इंटरफेस आप देख लें, इस तरह से है। एक तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है इमेज क्रिएटर का, और अगर यहाँ पर आपको ना मिले ऑप्शन इमेज क्रिएटर का, तो यहाँ ऐप्स में जाकर भी आप फाइंड कर सकते हैं। ऐप्स को क्लिक करते हैं और ये देखें यहाँ पर आपको इमेज क्रिएटर का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको मेन विंडो पर नहीं मिलता तो आप यहाँ ऐप्स में आकर भी इमेज क्रिएटर को क्लिक कर सकते हैं, सेम जो है वो आपको इंटरफेस मिलेगा। ये आपके पास प्रॉम्प्ट विंडो आ गई, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखना है, यानी कि जो भी चीज़ आप जनरेट करवाना चाहते हैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। बिंग इंग्लिश के प्रॉम्प्ट को भी समझता है, आप यहाँ पे इसको उर्दू लैंग्वेज में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, तो ये काफ़ी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है। फ़िलहाल हम इसको इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। और जैसा कि हमने 3D पिक्चर बनानी है सोशल मीडिया के लिए, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत वायरल है, उसका प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि डिस्क्रिप्शन से टेक्स्ट कॉपी नहीं होता, तो वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने टेक्स्ट को डिस्क्रिप्शन से किस तरह कॉपी करना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से तवज्जो के साथ देखें। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, क्योंकि हम बॉय और गर्ल दोनों के लिए बना सकते हैं। पहले मैं ये गर्ल के लिए बना रही हूँ और एक रैंडम नेम इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप जब अपने लिए बनाएंगे तो नेम इसमें आप चेंज करेंगे, अगर आप इसमें कोई ड्रेसिंग का कलर या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज करेंगे। और अगर आप इसको YouTube के लिए बनाना चाहते हैं तो स्नैपचैट की जगह आपने यहाँ पर YouTube लिख देना है। व्हाट्सएप के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे स्नैपचैट की जगह व्हाट्सएप लिख देना है। इसको क्रिएट करते हैं। ये देखें, बहुत बेहतरीन 4 रिजल्ट्स बिंग ने आपको जनरेट करके दे दिए हैं। इन्हें 1 by 1 देख लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट हमने इसको दी थी कि रेड और वाइट ड्रेस हो, स्नीकर्स पहने हुए हों और वॉल पे नाम लिखा हुआ हो, तो वो तमाम रिक्वायरमेंट्स इसने पूरी कर दी हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें,
स्पेलिंग्स की थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जो आप रीट्राई करके ठीक कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको ये चारों इमेजेस ठीक नहीं लग रहे हैं तो आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप दोबारा क्रिएट कर लें। अब ये मज़ीद इसने आपको चार रिजल्ट्स जनरेट करके दिए हैं। इनमें से अगर कोई आपको सही लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उसको डाउनलोड कर लें। इसी तरह देखें, प्रॉम्प्ट में हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ड्रेस कोड चेंज कर देते हैं। अबाया कर देते हैं यहाँ पे और हिजाबी गर्ल कर देते हैं इसको, और नेम इसका हम कर देते हैं सना, और स्नैपचैट की जगह ये पिक्चर अब हम जनरेट करते हैं फेसबुक के लिए। इसे क्रिएट करते हैं। तो देखें, अब उसने जिस तरीके से हमने उसको प्रॉम्प्ट में चेंजेस बताई हैं, उसने उसी तरीके से इमेज को भी चेंज कर दिया है। स्पेलिंग्स भी बिल्कुल ठीक हैं। इसको आप डाउनलोड कर लें। जो भी आपको इसमें से पिक्चर सूटेबल लग रही है अपने लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर हमने इसे बॉय के लिए बनाना हो तो हम इसी प्रॉम्प्ट को चेंज कर देंगे। गर्ल की जगह वर्ड बॉय आ जाएगा। अगर ड्रेस का कलर आपने चेंज करना है तो रेड एंड वाइट की जगह ब्लू एंड वाइट कर देते हैं, और नेम चेंज कर देते हैं, और ये डीपी हम क्रिएट करते हैं, ये इमेज हम क्रिएट करते हैं यूट्यूब लोगों के लिए। तो इसे क्रिएट करते हैं। ये देखें, यूट्यूब के लिए उसने हमें चार इमेजेस जनरेट करके दे दिए हैं। जो रिक्वायरमेंट हमने उसको दी थी उसी के हिसाब से उसने हमें इमेजेस बना के, बहुत बेहतरीन इमेजेस बना के दे दिए हैं। इसी तरह इस प्रॉम्प्ट में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसको यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि शलवार कमीज में का ड्रेस हो इसका, और ब्लू एंड वाइट की जगह सिर्फ ब्लू कर देते हैं इसको, और इसे हम बना लेते हैं व्हाट्सएप के लिए। क्रिएट करते हैं। आप इसी तरीके से इसमें इसके शूज़ चेंज कर सकते हैं, शूज़ का कलर दे सकते हैं, सनग्लासेस रिमूव कर सकते हैं, इस पे अगर बॉय है तो इसकी दाढ़ी बनवा सकते हैं। यानी कि जिस तरीके का भी इमेज आपको चाहिए, जिस तरीके का भी रिज़ल्ट आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पे एज ग्रुप भी मेंशन कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लिए आपने ये पिक्चर जनरेट करनी है।
तो ये देख लें, हमें चार इमेजेस मिल गए हैं व्हाट्सएप के लिए। ब्लू कलर हमने उसको कहा था, शलवार कमीज़ कहा था, तो उसी तरीके से उसने हमें इमेज जनरेट करके दे दिए हैं। इसमें कोई मॉडिफिकेशंस करनी हो तो आप प्रॉम्प्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ के ऊपर आपको मज़ीद रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसको दोबारा से क्रिएट का क्लिक करके दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। अब रह गई बात के डिस्क्रिप्शन में से हम प्रॉम्प्ट को कैसे कॉपी करेंगे, तो उसका तरीका आपको बता रही हूँ कि आपने वीडियो, चलिए मेरी ही वीडियो को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, इसकी साइड के ऊपर आपको थ्री डॉट्स मिलेंगे, इन थ्री डॉट्स को क्लिक कर लें। यहाँ से आप इसको शेयर वीडियो करें तो यहाँ नीचे बॉटम पे देखें आपको मिल रहा है कॉपी लिंक का ऑप्शन। यहाँ से लिंक को कॉपी कर लें। लिंक को कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे इस लिंक को आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके इसको ओपन करेंगे तो देखें, ये मेरी वीडियो जो है ये क्रोम पर ओपन हो गई है। यहाँ से इसको मोर करें और ये नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जितना भी आपने इसमें से टेक्स्ट कॉपी करना है वो आप यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस वीडियो में जो प्रॉम्प्ट्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप सेम इसी मेथड से कॉपी करके अपने बिंग के ऐप के ऊपर जाकर पेस्ट करके अपने रिक्वायर्ड इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो जनाब, इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपनी डीपी के लिए डिफरेंट 3D इमेजेस। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। शुक्रिया।